मेरा मंत्री जी से सवाल यह है कि क्या श्री अनंतपुर साहब को हेरिटेज सिटी का दर्जा देकर और वहां स्पेशल फंड्स देकर विकास कार्य कर उसे एक बहुत ही विश्व प्रसिद्ध हेरिटेज सिटी बनाने के लिए अगर कोई कदम माननीय वित्त मंत्री जी उठा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के सीनियर आगू ते पंजाब तो राज्यसभा मैंबर राघव चड्डा ने सदन दे विच सिख इतिहास नाल जुड़े अहम शहर श्री आनंदपुर साहब नू हैरीटेज सिटी विरासती शहर का दर्जा देण दी मांग की है। वीरवार नू प्रश्नकाल दौरान राघव चड्डा ने कहा कि श्री आनंदपुर साहब स्थित तखत श्री केसगढ़ साहब वो पवित्र स्थान है जिथे साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने 13 अप्रैल 1699 खालसा पंथ की साजना की। इत्थे हर साल वड्डी गिणती विच श्रद्धालु गुरु साहब नू नतमस्तक होण आउंदे ने। इत्थे होला महला धूमधाम नाल मनाया जांदा है ते लखां दी गिणती विच सिख संगतां जुड़दियां ने। सर आज जो सवाल पूछने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ ये आस्क योर क्वेश्चन सर वही पूछ रहा हूँ सर। देश और दुनिया के करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है सर। पंजाब में श्री अनंतपुर साहब में स्थित तख्त श्री केसगढ़ साहब वो पवित्र स्थान है जहाँ गुरु गोबिंद सिंह जी ने 13 अप्रैल 1699 को खालसा पंथ की स्थापना करी थी। यहाँ होला मोहल्ला भी बहुत बड़ा होता है, यहाँ लोग लाखों लोग मत्था टेकने आते हैं, परमात्मा से आशीर्वाद लेने गुरु साहब के यहाँ मत्था टेकते हैं। मेरा मंत्री जी से सवाल यह है कि क्या श्री अनंतपुर साहब को हेरिटेज सिटी का दर्जा देकर और वहां स्पेशल फंड्स देकर विकास कार्य कर उसे एक बहुत ही विश्व प्रसिद्ध हेरिटेज सिटी बनाने के लिए अगर कोई कदम माननीय वित्त मंत्री जी उठा रहे हैं। ऑनरेबल मिनिस्टर जी जरूर इस विषय पर हम ध्यान देने वाले हैं क्योंकि समय समय पर स्टेट गवर्नमेंट्स का प्रपोजल आना चाहिए। जो स्टेट गवर्नमेंट का प्रपोजल है तो जरूर करेंगे। आप जो अभी प्रस्तावित किया है वो ऑलरेडी हो चुकी है। सर आज जो सवाल पूछने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ ये आस्क योर क्वेश्चन सर वही पूछ रहा हूँ सर। देश और दुनिया के करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है सर। पंजाब में श्री अनंतपुर साहब में स्थित तख्त श्री केसगढ़ साहब वो पवित्र स्थान है जहाँ गुरु गोबिंद सिंह जी ने 13 अप्रैल 1699 को खालसा पंथ की स्थापना करी थी। यहाँ होला मोहल्ला भी बहुत बड़ा होता है, यहाँ लोग लाखों लोग मत्था टेकने आते हैं, परमात्मा से आशीर्वाद लेने गुरु साहब के यहाँ मत्था टेकते हैं। मेरा मंत्री जी से सवाल यह है कि क्या श्री अनंतपुर साहब को हेरिटेज सिटी का दर्जा देकर और वहां स्पेशल फंड्स देकर विकास कार्य कर उसे एक बहुत ही विश्व प्रसिद्ध हेरिटेज सिटी बनाने के लिए अगर कोई कदम माननीय वित्त मंत्री जी उठा रहे हैं। ऑनरेबल मिनिस्टर जी जरूर इस विषय पर हम ध्यान देने वाले हैं क्योंकि समय समय पर स्टेट गवर्नमेंट्स का प्रपोजल आना चाहिए। जो स्टेट गवर्नमेंट का प्रपोजल है तो जरूर करेंगे। आप जो अभी प्रस्तावित किया है वो ऑलरेडी हो चुकी है।